हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण कुमार रजक। माय यूट्यूब चैनल पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे फ्रेंड्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं अनुस्वार और चंद्रबिंदु की मात्रा से बने शब्दों को हिंदी से अंग्रेजी में बताऊंगा, जो नाम कैसे अंग्रेजी में लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका लाइक सब्सक्राइब मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं, तो फ्रेंड्स भूलिएगा नहीं। और मैं आपको यह जानकारी दूंगा कि मेरा हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां विजिट करके मेरा सभी वीडियो को अगला पिछला करके आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स भूलिएगा नहीं। तो चलिए आप पढ़ते हैं। हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी में बदलेंगे, बदलेंगे किसको जी? हिंदी से अंग्रेजी में बदलेंगे किसका? अनुस्वार की मात्रा और चंद्रबिंदु की मात्रा वाले शब्द को। क्या? किसका? अनुस्वार की मात्रा और चंद्रबिंदु की मात्रा से बने शब्द का प्रयोग करके, का क्या प्रयोग करके जो जो बनता है अनुस्वार की मात्रा और चंद्रबिंदु की मात्रा से शब्द। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बन सकता है जी, क्या नाम हो सकता है? चलिए सीधा सी बात कोई भी जानता है, रंग। रंग क्या? रंग है ऊपर में अनुस्वार, र अग ऊपर में अनुस्वार, र ऊपर अनुस्वार, रन अग रंग। तो रंग का हमको अंग्रेजी में बदलना है नाम, तो कैसे करेंगे? हम आपको पहले भी सब वीडियो में, यानी करीब करीब मेरा बहुत सारा वीडियो हम अपने चैनल पर लोड कर चुके हैं, जिसमें कि क से ज्ञ तक, अ से अ तक, आकार से विसर्ग तक, जो टॉपिक पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अंग्रेजी में नाम लिखने के लिए सीख रहे हैं। उसमें हम आपको हर अक्षर का, मतलब जो नाम होता है अंग्रेजी में, उसको हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना? तो उसको उस वीडियो पर विजिट करके आप देख लीजिए। उसका सब वीडियो के नीचे एक दूसरे का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप पहुँच के जा कर के देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब इसको शुरू करते हैं। रंग, र, र का क्या होगा अंग्रेजी? आर होगा। अनुस्वार का होगा? ए एन। रन हो गया ना, अग का जी लिख दीजिए, हो गया रंग। सिंपल है मेरे भाई, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। चलिए पंख, पंग अख पंख। प का क्या होगा जी? पी होगा। अनुस्वार का क्या होगा? ए एन हुआ। अख का क्या होगा? के एच। कोई दिक्कत है, कर सकते हैं कि नहीं? है ना सिंपल, कोई भी कर सकते हैं। किसी भी तरह का नाम रहे, अनुस्वार रहे और चंद्रबिंदु रहे, तो उसको आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला नाम लिखते हैं, शंकर। शंकर, चलिए शंकर है ना, शंकर। तो शंकर का क्या होगा? एस एच, एस एच होता ना तालब से, अनुस्वार रहता है, ए एन कर दीजिए यहाँ। सन अक, तक का क्या होगा? के होगा। आ इसमें क अ, अ पर मेरा लास्ट आवाज रुकता है, अ इसमें स्वर छुपा हुआ क में, तो ए हो गया, क क हो गया, र हो गया, शंकर हो गया नाम, सिंपल है। चलिए अगला नाम देखिए, संजय। स सन अज अय क्या? संजय। तो स का क्या होगा? एस होगा। अनुस्वार का क्या होगा? ए एन। सन हो गया, अज का जे हो गया, अज के साथ देखिए अ, यानी हर आपका क से ज्ञ तक में सभी में स्वर छुपा हुआ है, इस ध्यान दे के चलिएगा, तभी आपको मतलब सही उत्तर दे पाइएगा। तो ज में भी अ छुपा हुआ है, तो ए दीजिए, ज हो गया, बाई का य। देखिए इसमें भी छुपा हुआ है, लेकिन लास्ट जब अक्षर आ गया तो लास्ट में हम अ नहीं लगाएंगे, अगर लगा देंगे अ तो हो जाएगा संजया। क्या हो जाएगा? संजया, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि ए बराबर क्या होता है? ओ, ठीक है, और ए बराबर आकार भी होता है, तो सिंपल है, समझ गए ना? तो इसलिए लास्ट में नहीं लगाया जाता है, लगाइएगा तो गलत आपका हो जाएगा, हमेशा ध्यान दीजिए। चलिए अगला में हम पकड़ते हैं, कांता। कांता, कांता, चलिए कांता का क्या हुआ? क का क्या हुआ? के। आकार का ए हो गया ना, जब ए ए एन से आन है ना, ए एन से हो गया तो डबल ए नहीं देंगे, अब सिर्फ एन दे देंगे यहाँ पर, कान हो गया,
कान हो गया ना यहाँ जैसे पर कान ता टी और आकार ए हो गया कान ता। तो अब यहाँ ए ए जब ए लग गया तो सिर्फ ए नहीं लगेगा है ना, कोई दिक्कत है नहीं, समझ गए होंगे खूब अच्छे से। चलिए आगे बढ़िए, मंगल लिखिए मंग मन ग ल मंगल, तो मंगल का क्या होगा, चलिए म का एम हो जाएगा, अनुस्वर का ए एन हो जाएगा, ज का जी हो जाएगा, देखिए इसमें स्वर आ रहा है ग में तो जी हो गया और स्वर का ए हो जाएगा, ग ग हुआ अल मंगल, कोई दिक्कत है नहीं दिक्कत है। चलिए अब अगला हम देते हैं आपको चांद क्या, चांद ऊपर चंद्र बिंदु चांद, तो च का क्या होगा सी एच, आकार का ए एन हो गया चंद्र बिंदु का हो गया ना चांद, चांद कोई दिक्कत है, अगर है दिक्कत तो हमको बताइए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बांध लिखिए, बा ऊपर चंद्र बिंदु अध बांध, इसी प्रकार से इसको भी बनाइए, ब का बी चंद्र बिंदु और आकार का ए एन बान हो गया, ध का डी एच बांध, है ना सिंपल मेरे भाई। आप कभी भी कर सकते हैं, कोई सा भी प्रश्न रहे आप इसको आराम से कर सकते हैं। आप मेरा पिछला वीडियो भी देख करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप मेरे चैनल पर विजिट तो कीजिए, एक बार कीजिए विजिट और आपको बहुत फायदा ही फायदा होगा, खास करके जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए। यह हम बहुत डिटेल में समझा के पढ़ाए हैं कि ताकि उनका भी उज्जवल भविष्य बने, है ना, क्योंकि उनका उनका और उनका परिवार का आर्थिक कमजोरी के कारण वह बच्चा आगे उठ नहीं पाता है। इसलिए हमने यह सोचा कि नहीं, वैसे लोग जिनको दिक्कत बहुत ज़्यादा होता है उनके लिए कुछ करना चाहिए, तो मैंने सोचा और बस प्रयास में लग गए हैं कि हो सके तो हमसे किसी का लाभ हो तो क्यों ना घर बैठे उनको लाभ दिया जाए, ठीक है ना मेरे फ्रेंड्स। तो हम आपके लिए कर रहे हैं और आप थोड़ा सा ध्यान देकर के सीखिए और आगे बढ़िए, करिए आगे बढ़िएगा तो सिर्फ मेरा नाम लीजिएगा कि सर एक बार हमको ऐसा बताए थे, बस इसी में हमको बहुत खुशी होगा, है ना। चलिए पढ़िए और आगे बढ़िए, चैनल का भी नाम है पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे फ्रेंड्स, समझ गए होंगे ना, बढ़ने का मतलब क्या, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, जानेंगे तो भी तो आगे बढ़ता है, कुछ भी कोई भी चीज जानता आदमी तभी तो आगे बढ़ता है, नहीं जानने से बस वहीं के वहीं सीमित रहता है, उसके पास ज्ञान का कमी कारण अच्छा से अपना विकास नहीं कर पाता है। इसलिए ज्यादा हम क्या बोले हैं, आप खुद समझदार हैं, ठीक है। चलिए तब तो आपको हम कुछ प्रश्न दे देते हैं, आप घर के लिए बनाइएगा अपने कंप्यूटर पीसी मोबाइल जो भी हो उस भी इस वीडियो को पाउच कर लीजिए और बनाइएगा, ठीक है। प्रश्न लिखते हैं, चलिए पंकज, पंकज सिंपल है बना लीजिएगा आप, रंजन रंजन, आइए कं च न कंचन, है ना, लीजिए फिर आगे आप पंत पंत, ठीक है, लिखिए कं स कंस, कोई दिक्कत है नहीं, आप लिखिए नन द न नंदन, लिखिए चन द न चंदन, ठीक है, लिखिए लिखिए अब आप रंगा रंगा, ठीक है, और आगे लिखिए चन दा, ठीक है, चंदा लिख लिए, उसके बाद लिखिए नंद नंद, ठीक है, लिख लिए, उसके बाद लिखिए शंकर शंकर, ठीक है, लिख लिए, अब लिखिए जहां जहां, लिख लिए, लिखिए खां खां, लिख लिए, चलिए लिखिए शांता शांता, लिख लिए, लिखिए अम्बा
अम्बा लिख लिए, लिखिए खनफा, खनफा लिख लिए, खनफा लिख लिए, चलिए लिखिए पंपा, पंपा लिखिए, चंपा, चंपा ईटीसी, चलिए बहुत हो गया ईटीसी। चलिए कुछ प्रश्न हम आपको जो दिए हैं बोर्ड पर, आप अपने कंप्यूटर पीसी में आराम से इसको लोड करके आप बनाइए, है ना, रोक करके पॉज करके इसी में बनाइए। चलिए देखिए प्रश्न देख लीजिए, पंकज है, रंजन है, जो कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं इस प्रकार से बन जाएगा, आप ट्राई कीजिए, बिल्कुल बनेगा, ट्राई कीजिए तो एकदम बनेगा। चलिए पंकज, रंजन, कंचन, पंत, कंस, नंदन, चंदन, रंगा, चंदा, नंद, शंकर, जहां, खां, है ना, शांता, है ना, शांता, अंबा, ठीक है, खंभा, पंपा, चंपा, इटीसी, यानी अपने मन से भी कुछ लिख करके बनाइए। इसी प्रकार का प्रश्न अनुस्वार और चंद्र बिंदु से मिलता जुलता प्रश्न को आप अंग्रेजी में बनाइए, जो हम आपको बता चुके हैं कि किस प्रकार बनेगा। तो फ्रेंड्स चलिए अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल का घंटा बजा दें, वीडियो को शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे, थैंक यू, बाय बाय।